भाई जो है ना सुबह सुबह लकड़ियाँ बनाना शुरू हो गया है। भाई और मैं मिलकर बना रहे हैं और साथ में मामू भी आ गए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसी है तबीयत मामू आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह पहले से बेहतर है जी। अल्हम्दुलिल्लाह एक नई सुबह, एक नया दिन फिर आगाज करते हैं एक नई जिम्मेदारी के साथ। हमारी यूके में रहने वाली एक सिस्टर जिनके वालिद मोहतरम के इसाले साहब के लिए आज ख़त्म पाक का इंतज़ाम कर रहे हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह लकड़ियाँ बनाना तो हमने शुरू कर दी हैं। अभी गोश्त लेने के लिए जाना है। अब वामू से पूछते हैं किसको भेजते हैं, मुझे भेजते हैं या किसी और भाई को भेजते हैं। वो मैंने भेज दिया। भेज दिया? भेज दिया। अच्छा मुझसे पहले बताया बिना भेज दिया? तुम उधर गए हुए थे ना। अच्छा अच्छा चलो ठीक है जी। फिर मैंने कहा चलो ये नाश्ता कर लेगा, यहाँ पे व्लॉग भी शुरू कर लेंगे, यहाँ का काम आप निपटा लो, फ्रूट वगैरह बस लेने, बाकी तो आ चुका है सामान। चलें वहाँ से गोश्त भी आ जाएगा, फिर पकवान भी पहुँचने वाला है। चलें ठीक है जी, हम तब तक लकड़ियाँ फिर बना लेते हैं। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह हमारे लकड़ियाँ तैयार करते तक भाई लोग गोश्त लेकर आ गए और बनवा के ले आए खुद खड़े होके। मामी भी अंदर जा चुकी हैं। यहाँ पे रखने? यहाँ पे रखते हैं। गोश्त भी लेकर आ गए हैं और वो बाकी सामान सब्जी वगैरह का था वो भी हम ले गए हैं। अभी फ्रूट रहते थे जो कि भाई अभी लेकर आया है ताज़ा फ्रूट, तो वो मैं लेने के लिए आया हुआ हूँ। 1.5 किलो, 2 दर्जन केले भी दे देना और अमरूद भी दे देना, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह जी फ्रूट लेकर आ गया हूँ। मामू ने बोला था केले खजूरें और सेब और अमरूद लेकर आना, काफ़ी है मामू? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि और फ्रूट तो ना अंगूर मिलते हैं ना जापानी फल मिलते हैं, तो जो जो चीज़ें थी वो हम सारी लेके आए। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत है, बहुत है अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जी। देख वाले भाई की भी एंट्री हो चुकी है, चलें चलें भाई जान जी। अल्हम्दुलिल्लाह आज आटा घर पर बनाया जा रहा है और ये देखें आटा बना बना के बड़े टब में रखते आ रहे हैं। आंटी ने मल लिया है जो उस दिन लिपाई करने के लिए आए थे हमारे किचन की, तो वही आए हुए हैं आज हमारी हेल्प के लिए। अम्मी जान को और आप ही को उसकी बड़ी बेटी को बुलवाया है, मैंने कहा हमारे साथ रोटी बनवा लो। अल्हम्दुलिल्लाह अम्मी जान कभी मना नहीं करती, जब भी बुलाऊ ना उस टाइम आ जाती है अम्मी जान। मैंने कल का बोला हुआ था, अम्मी जान ने बोला कोई बात नहीं मैं आ जाऊंगी। जी बिल्कुल, ये भी एक गरीब फैमिली है तो उनको भी हेल्प मिल जाएगी। हमने कहा बाहर से पकवानी है तो यहीं से बनवा लेंगे। और यहाँ से फ्रूट वगैरह भी अभी मामी धोने जा रही है, एक टब गोश्त का धोकर ले आई है और एक बड़ी खाला जो है ना बाहर धो रही है, वो भी चलकर मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। तो मैं यहाँ पे नमक देने के लिए आ गई हूँ क्योंकि नमक नहीं था, भूल गई हूँ नमक देना। अभी फिर अम्मी जान ने नमक डब्बे में डाला है तो वो आटा भून रही है। मैं चलती हूँ बाहर, जरा बाहर का जाके देखती हूँ सिस्टर ने गोश्त धोया कि नहीं धोया, ये बाद में ले जाती हूँ जी। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर एक टब अंदर चला गया धुलकर और एक बड़ी खाला यहाँ पर धो रही है अच्छे से। छोटी खाला ने पैप पकड़ा हुआ है और बड़ी खाला धो के दे रही है, मामी उठा कर ले जाएगी जी। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर एक टब अंदर चला गया धुलकर और एक बड़ी खाला यहाँ पर धो रही है अच्छे से। छोटी खाला ने पैप पकड़ा हुआ है और बड़ी खाला धो के दे रही है। अल्हम्दुलिल्लाह पकवान भाई ने देख और चूल्हा यहाँ पर रख दिया फ़िलहाल, और फ़िलहाल यहाँ पर बैठकर मामू और पकवान भाई सब्ज़ी वगैरह बना रहे हैं। यहाँ पर मामू हेल्प कर रहे हैं साथ में बनाने में और साथ में गपशप भी हो रही है। हमारे विलेज के जो लोग होते हैं वो गपशप ज़्यादा करते हैं और साथ में काम भी करते हैं। तो अभी अदरक को छील रहा है पकवान भाई। बाकी सारा मटेरियल तैयार हो गया ना? हाँ जी बिल्कुल, टमाटर वगैरह काट लिए। अच्छा दही भी आ गई है ना? हाँ दही ये रखिए। चलें जी माशाल्लाह। और कुछ चीज़ ज़रूरत हो तो मामी मुझे बता दे फिर मैं कहीं पूछा है कुछ थोड़े टमाटर कम थे वो दोबारा से ले लो। चलें मैं नहा लूँ फिर। हाँ चलें ठीक है। यहाँ पर जी लड़ाई शुरू हो गई है, आयत फीडर पी रही थी तो उससे फीडर छीन कर ओ गिर गई आयत भी, उससे फीडर छीन कर तैबा पी रही थी। छीनो 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 वो देखो उसने छीन लिया है। आप बड़ी हो, अम्मी अम्मी को बुला रही, उनसे तुम भी छीन लो ना। तैबा दे दो उसको, वो खुद पी रही है।
नहीं पिए वो, पीने दो उसको। फीडर छीन लिया उसका है, उसका है, उसको वो दे रही है, वापस दे रही है। ले लो आयत, ले लो आयत, ले लो फीडर, ले लो अपना। अल्हम्दुलिल्लाह जी, अभी गोश्त देग में डाल रहे हैं और पकाना स्टार्ट करते हैं। और इधर हमारे भाई साजिद भी आ गए हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह खुश हैं। अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र है। आज खाना खाने भी आना है आपने? मामू भी गोश्त उठा के ले आए हैं। मामू अगर 5 मिनट उठा के खड़े रहे तो बस फिर मुझे उठाना पड़ेगा, फिर मामू को उठाना पड़ेगा। ऐसे नहीं, और देग में लगाने के लिए लकड़ियाँ यहाँ पर हमने बनाई थी, और इधर तवी भी यहीं पर, तवी की जगह भी यहीं पर बना दी गई है। यहाँ पर रोटियाँ बनाई जाएंगी, तवी धोकर ऊपर चढ़ा दी गई है, और नीचे आग भी ऑलमोस्ट जला दी गई है। मामी को टेप सोल्यूशन लगा के कलर करने के लिए मैंने दे दिया है। मामी यहाँ पर बैठ कर सुकून से कलर कर रही हैं। फ़िलहाल थोड़ा सा रहता है कलर, वो भी साथ साथ में कर रही हैं। मैंने कहा चले थोड़ा सा मार दें, टेप सोल्यूशन उतर जाएगी, उसके बाद फिर जो है ना मैं नई टेप लगा दूंगा, फिर नया कलर करेंगे इंशाल्लाह। और यहाँ पर आटा उठा के आंटी लेके जा रही हैं उस साइड पे, वहाँ पे तवी लगाई है, तो वहाँ पर रोटियाँ बनाई जाएंगी। मामू लकड़ियाँ भी उठाने के लिए आए हुए हैं क्योंकि देग भी चढ़ा रहे हैं। अच्छा मामू, मैंने कहा शायद देग के लिए लकड़ियाँ उठाने के लिए आए हुए हैं। थोड़ी मैंने कहा ये आग चमका दूं तो फिर उधर ही चमकाते हैं। चलें जी माशाल्लाह। भाई अभी देग के लिए आग जला रहे हैं, यहाँ पर लकड़ियाँ वगैरह भी मामू ने ला कर रख दी हैं, और अभी आग जलाते हैं और देग रखते हैं ऊपर। देग हमारी चढ़ चुकी है तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी पकाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पेस्ट अदरक लहसुन, और उसके बाद जी सब्ज मिर्चों का पेस्ट। ये जो धुआं जा रहा है ये हमारे लिए डेंजर हो सकता है क्योंकि यहाँ पर बैठी है शहद की मक्खियाँ, और जो धुआं है वो इन तक पहुँच रहा है। अब लोगों को नज़र भी आ रही है कि नहीं? हाँ, यहाँ से नज़र आ रही है। ये देखें मेरे कैमरे ने फोकस कर लिया है, बीच में शहद की मक्खियाँ बैठी हैं तो ये सारी उड़ रही हैं उस धुएँ की वजह से। तो अभी भाई से रिक्वेस्ट किया है धुएँ को जल्दी जल्दी ख़त्म करने, वरना ये धुआँ जा रहा है वहाँ पर और सारी मक्खियाँ उड़ जाएंगी। अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी रोटियाँ यहाँ पर बनाई जा रही हैं। कितनी रोटियाँ रहती हैं, कितनी बन चुकी हैं? बहुत सारी रोटी रहती हैं, कुछ बन भी चुकी हैं। वहाँ पर बनाई जा रही है देख, मामू लोग बना रहे हैं, और जहाज भी यहाँ से देखे जा रहे हैं। क्या करने के लिए आते हैं? खाना खाने के लिए आते हैं। अच्छा, मामी कहते हैं जब मैं खाना बना रही होती हूँ तो तभी आते हैं, खाना खाने के लिए आते हैं। पता है मामी खाना बना रही है, हम खा के फिर चले जाएंगे। चलें जी। पहले पहले जब आग जलाई थी आप लोगों को भी दिखाया था, यहाँ पर आग जलाई थी, और यहाँ पर आग जो ही जली तो धुआं सारा उठ के वहाँ पर चला गया शहद की मक्खियों के पास। और अभी देग उठा कर यहाँ पर रखवाई है मामू ने साथ में मिलकर, क्योंकि शहद की मक्खियाँ बेचारी उड़ रही थी सारी ना धुएँ की वजह से। हाँ, उधर नहीं जा रहा क्योंकि हवा इस साइड पर चली हुई थी ना, धुआँ उस साइड पर जा रहा था, तो अभी उठा के यहाँ पर रख दिए। और पूछते हैं इनसे कितनी देर है मामू जी आप लोगों की देख को? बस तकरीबन अभी मेरे ख्याल 1 घंटा तो लग जाएगा। बच्चे भी पहुँचने वाले हैं? अच्छा, हाँ बच्चे भी पहुँचने वाले हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और सालन भी हमारा ऑलमोस्ट तैयार होने वाला है जी। अल्हम्दुलिल्लाह देख हो चुकी है तैयार, तो मामी और मामू उतार कर आज इस किचन में शिफ्ट कर रहे हैं हम। और आटा भी अभी कुछ बचा पड़ा है, रोटियां अभी भी बना रहे हैं वहां पर। ये देखिए
मामी साथ में, इधर अब बच्चों रो रहे थे, उधर लग गई रोटियां, इधर बना बना के इधर रखते आ रहे हैं। कपड़े के अंदर लपेट के ना, उसके ऊपर एक और कपड़ा मैंने लपेट दिया जो गर्म पड़ी। और अभी भी मैं जा रहा हूँ अड्डे पे, मामी ने कह दिया कि शापर ले आओ, उसमें सील करके रख देंगे ताकि रोटी बिल्कुल ही गर्म रहे। बच्चे होंगे ना, बच्चों में बच्चों को तकलीफ ना। आज मैंने मिसाला भी बिल्कुल लाइट डलवाया, हल्का मिसाला। चलें जी, अल्लाह पाक आपको अजर अता फरमाए, अल्लाह पाक उनको भी मगफिरत फरमाए जिनके लिए ये काम हो रहा है। आमीन आमीन। ये ले मामू जी, ले आए। हाँ, दो के जी, दो के जी अलग अलग करवाया। चले माशाल्लाह, जैसे हर जुमेरात देते हैं ना तारिक भाई की तरफ से। एक उस साइड पे दे हूं, जो उस साइड पे बसती है। मेरे ख्याल में आज जुमेरात है, पता नहीं आज भी है वो नहीं है, उसके जो भाई का इंतकाल हुआ था ना, जुमेरात खत्म है ना। हाँ, पता कर लो, अगर है तो ठीक है, नहीं है तो फिर उसके भाई का खत्म कहाँ आई होगी फिर वापस, फिर भी पता कर लेते हैं। चले ठीक है। तारिक अली भाई जो यूके में रहने वाले हैं, उनकी तरफ से जो जुमेरात को कोच किया जाता है ये वो वाला। ठीक है, नहीं तो इधर ही पता करके आ जाते हैं। इधर पहले, इधर पहले जो है ना, इधर पता कर लो। अच्छा, मामी को भेज दो, पता कर, अगर इधर है तो फिर इधर पहले दे दो, इधर चले जाना। ठीक है, ठीक है, क्योंकि ये अमानत हम जो है कहते हैं कि जल्द और जल्द जो है ना पहुँचाएं हम ध्यान दें, ताकि जो आज हम टाइम से ले आए, अभी तक सूरज ये देखें कहाँ पे खड़ा है, बाकी का तकरीबन अभी जो है ना निपटाते रहेंगे, क्योंकि अभी 3:30 हुए, बच्चे भी कुरान पाक पढ़ने के लिए नहीं आए, वो भी पहुंचने वाले हैं, जब तक आप लोग गोली दे दो तो फिर बाकी का काम इधर का फिर शुरू कर लेंगे इंशाल्लाह। चलें ठीक है, ठीक जी। अल्हम्दुलिल्लाह हम अम्मा जी के पास पहुंच चुके हैं, लेकिन अम्मा जी को आज है तेज बुखार। अम्मा जी कैसी है तबीयत आपकी? तबीयत सही कह नहीं मेरी, कुछ खां दी नहीं मैं, कुछ नहीं थींदा पिया मैं ना, मैं तो कोई समझ नहीं आ रही। चलिए अल्लाह पाक आपको शिफा कामला अता फरमाए। ये अमानत, जैसा कि तारिक आपका बेटे तारिक की तरफ से ये एक तोहफा आया है जो हर जुमेरात आता है आपको। दुआ कर दो हमें जान। एक खाना पका लीजिएगा, खुद भी खा लीजिएगा और बच्चों को भी खिला दीजिएगा, ठीक है? आमीन। मेरा पुत्र अल्लाह इन्हां दी जिंदगी रखे, दे में दुआ मांगो। आमीन। मेरा सोना अल्लाह दुख हर मुसलमान दे दाल चावल जड़े ना। आमीन आमीन। मदद दुआई करेनिया। आमीन। अम्मी जान का ना बुखार नहीं उतर रहा, तो आप सब बहन भाइयों ने दुआ करनी अम्मी जान के लिए, क्या पता किसी एक ही दुआ लग जाए कि अम्मी जान की तबीयत सही हो जाए। अल्लाह पाक तो कहता ना दुआ मांगो, क्या पता किसी एक बंदे का, आपने सब ने दुआ करनी है मेरे खामत के लिए भी और मेरी अम्मी जान के लिए भी। अभी अम्मी जान को देते हैं, अम्मी जान इधर रख दूं? अच्छा ऊपर रख रही हूँ, कहीं ढक के रख दे। अम्मी जान की साथ में बेटी बैठी हुई है और उनका भाई भी बैठा हुआ है, वो कैमरे के सामने नहीं आना चाह रहे, तो इसीलिए फिर यहाँ पे मैंने रख दिया, फिर उनकी बेटी उठा लेंगे। चले वो इनकी तीमारदारी के लिए आई हुई है, तो वो इनको पका के खिला देंगे। चले अब आगे चलते हैं जी। अल्हम्दुलिल्लाह अब इस सिस्टर को देने के लिए आए हुए हैं, जो पहले उस वाली सिस्टर को देते थे, लेकिन मामी पता करने के लिए गई है वहाँ, तो वो अपने भाई की ख़त्म पर गई हुई है जी। तो बच्चे भी नहीं थे घर, वरना बच्चों को दे के आ जाते। अल्लाह पाक उस भाई को भी ना जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मकाम अता फरमाए, क्योंकि वो मेरी कज़न का शौहर था और जो जिस घर में हम ये गोश्त जाके देते थे उसका बड़ा भाई था। अल्लाह पाक उनको सब्र दे। अभी आ गए जी इस आप ही के पास, अब इसको दे दें। और इनसे रिक्वेस्ट है कि उनके लिए ढेर सारी दुआ कीजिएगा। ये कुछ किचन है मेरी बहन का, उनके लिए ढेर सारी दुआ कीजिएगा। तारिक भाई है, जैसे कि पिछली जुमेरात भी मेरे ख्याल में आपको दे गए थे ना जी, उसकी पिछली जुमेरात भी दो जुमेरात हो गई, क्योंकि फौतकी हो गई थी ना उस बहन की जी, तो इस बहन को दे के जाते हैं। अल्लाह पाक इनको हमेशा खुश रखे। आमीन आमीन आमीन। हमेशा बाद रहे अपने फैमिली के साथ, बच्चों के साथ। आमीन आमीन आमीन। चलें जी, चलें मामी। हां शुक्रिया, कोई बात नहीं, हमारा शुक्रिया नहीं, अल्लाह पाक का शुक्रिया, और अल्लाह का शुक्रिया। मेरे बच्चे बहुत शौक से खुशी से खाते हैं और खुश भी हो जाते हैं। चलें मामी, और ऐसी बात नहीं है, मैं बहुत सारी दुआ करूंगी भाई के लिए। बहुत 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 शुक्रिया। शाबाश मामू जी, शाबाश, क्या बात है जी। वहाँ पर रोटियाँ बन रही हैं और मामू उठा के ना अंदर सेव रखता जा रहा है। चले जी माशाल्लाह। नहीं अब शापर ले आऊँ या ना ले आऊँ, मैं तो भूल गया था यार गोश्त लेने के।
जैसे देख लो, अगर बोलते हो तो मैं ले आता हूँ। बेगम साहब क्या मामी शापर ले आऊँ ना, ऐसे ठंडी ना हो जाए। ठंडी नहीं होती। थैलियाँ छोटी है ना, हम कह रहे थे 20-20, 30-30 रोटियाँ एक एक थैली में डाल के रख देते ना। फिर ले आओ। ले आऊं? ले आओ, आवाज से भी बच जाएंगे। हाँ सुकून से बच्चे एक एक रोटी निकाल निकाल के आराम आराम से खाएंगे ना। हाँ तोड़ दो, ये मसला ना बने, ठंडी ना बने। चले ठीक है, और आप जब तक आओ चाय आपके लिए मैं तैयार करवा रहा हूँ कड़ा। सच में? हाँ, नहाया हूँ, सर्दी लग रही है वैसे। सही बात है, वो ठंडी ठंडी चाय बोल रहा था, गरम 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 चाय। आ जाओ कब का इंतजार कर रहे हो, नाने भी हो गए, आप आज लेट आ रहे हो, क्या मसला है? लेट क्यों हो गए? साग लेट, चलो जल्दी करो, जल्दी जल्दी आ जाओ। आ जाओ, इंतजार है बस, जल्दी जाओ। शाबाश, आ जाओ जल्दी जल्दी, कुरान पाक पढ़ें तो फिर जो है ना इंशाल्लाह खाना है, फिर तकसीम करते हैं इंशाल्लाह। दो बच्चे पीछे हैं अभी। हाँ दो बच्चे वजू कर रहे हैं। देख जल्दी करो, जल्दी जल्दी बातें मत करो। शाबाश, बच्चों के लिए मामू ने और मामी ने मिलकर तिरपाल बिछा दिया है, यहाँ पर बच्चों को बिठाएंगे, और माशाल्लाह बच्चे भी आ चुके हैं, कुछ बच्चे अंदर कुरान पाक पढ़ रहे हैं, और माशाल्लाह यहाँ पर काफ़ी सारे बच्चे जो बस्ती के थे वो आ चुके हैं और कुछ आने वाले हैं। चलें जी, जूते उतार कर बैठते जाएं, बिस्मिल्लाह पढ़ें। बैठ जाएं शाबाश, लाइन में लड़ना नहीं है। आगे हो जाओ। माशाल्लाह जी माशाल्लाह, कितने सिपारे रहते हैं भाइयों? 10 सिपारे रह गए। चलें जी माशाल्लाह, पढ़ें। अल्हम्दुलिल्लाह जी, उस्ताद साहब भी तशरीफ़ ला चुके हैं, अभी ख़त्म का इंतज़ाम करते हैं, ख़त्म पढ़ते हैं, और बाद में प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चों को खाना खिलाएंगे। बस्ती के माशाल्लाह जितने भी बच्चे थे, जितने बच्चों को बोला था, सब बच्चे आ गए अल्हम्दुलिल्लाह। बस्ती के सब बच्चे आ गए हैं ना? चलें जी, बस्ती के सब नन्हे मुन्ने छोटे मोटे बच्चे सब आ गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह जी। कुरान पाक का ख़त्म मुकम्मल हो गया है, कुछ सिपाहे रहते थे, उस्ताद साहब खुद आ गए हैं, उन्होंने साथ में पढ़वाया है माशाल्लाह, और बच्चे भी आ गए हैं। इधर हो जाओ, इस साइड पर हो जाओ, थोड़ा सा इधर हो जाओ, आपके लिए जगह ये साफ करवाइए अच्छे से। आप लोग इधर हो जाओ, आप लोग कुरान पाक पढ़ते हो तो बच्चे ऐसे खेलते रहते हैं। शाबाश, आप इधर आ जाओ भाई, इधर आ जाओ, आप भी आ जाओ इधर। तो अल्हम्दुलिल्लाह बस्ती के और भी बच्चे आ गए हैं माशाल्लाह। तो अभी ख़त्म पाक का इंतज़ाम करते हैं, ख़त्म पढ़ते हैं, और फिर बच्चों में खाना तकसीम करते हैं। Bismillahirrahmanirrahim. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم بسم الله الرحمن الرحيم
اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم امين رب العالمين سورہ اخلاص سورہ فاتحہ درود پاک ذکر اذکار ختم پاک لنگر کا اہتمام کیا جو ہماری بہن یو کے کے رہنے والی اپنے ابو انو خان مرحوم کے ایصال ثواب کے لیے دو قرآن پاک کے ختم کے اہتمام کروایا اور لنگر کے اہتمام کروایا یا اللہ ان کا لنگر پکانا اور قرآن پاک کا ختم کروانا اپنی بارگاہ کے اندر قبول و منظور فرما اللہ آمین یا الہ العالمین ان کے لواحقین خاندان نان کا خاندان داد کا کی روح کو پیش کرتے ہیں مولا قبول فرما اللہ آمین ان کے مرحومین جتنے بھی قبروں کے اندر پہنچ چکے تمام کی بخشش فرما اللہ آمین تمام کے گناہوں کو معاف فرما آمین درجات کو بلند فرما یا اللہ ان کے جتنے بھی فیملی کے ساتھ تعلق رکھنے والے قبروں کے اندر پہنچ چکے یا اللہ تمام کی بخشش فرما اللہ آمین صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ و آل بیتہ اجمعین برحمتہ یا لا الہ الا اللہ استاد صاحب جا رہے ہیں ہمارے تو ان کی نماز کا نماز مغرب کا ٹائم ہو رہا ہے کھانا جو ہے بچے لے جائیں گے ادھر جی تو باقی بچے جو ہے کھانا کھا کے جائیں گے جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے السلام علیکم ٹھیک ہے جی وعلیکم السلام جلدی کھا لیں جلدی کھا لیں شاباش جلدی کھا لیں پھر کھانا دیتے ہیں ٹھیک ہے زینب بھی کھا رہی ہے اور ہماری گڑیا بھی ماشاءاللہ ہماری تیار ہو کے کتنی پیاری لگ رہی ہے طیبہ ادھر دیکھو وہ ابھی چپ بیٹھی ہے ابھی اٹھی ہے نا تو مامی نے تیار کروا دیا ہے مامو سالن لے کر آ بھی چکے ہیں اور سب بچوں میں کھانا تقسیم کرتے جا رہے ہیں اور خالہ بھی ساتھ میں مدد کرنے کے لیے آئی ہوئی ہیں شاباش الحمدللہ پہلے اندر بیٹھی ہوئی تھی دیکھ کے اوپر کیونکہ کھانا دے رہی تھی میں نے کہا چلو ابھی جا کے باہر دیکھتی ہوں اسی لیے میں نے پلیٹ بھی میرے ہاتھ میں میں نے کہا دیکھتی ہوں جس کے پاس کم ہوگا نا تو پھر اس کی پلیٹ میں ڈال دوں گی جی بالکل کیونکہ بچے ہیں نا چھوٹے چھوٹے تو مانگتے نہیں ہیں شرم سے ہاں جی تو اس لیے ہم پوچھتے رہتے ہیں ہمیں نہیں کہتے کہ لے آؤ یا نہ لے آؤ تو وہ بچے ہیں بڑے خوش ہیں یہ دیکھیں ہمارے شرارتی بچے آرام سے کھاؤ اللہ پاک اس ابو جی کی جس کے لیے قرآن پاک کا ختم ہوئے اللہ پاک اس کو جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا آمین آمین بچوں کی دعا بھی بہت ساری کروائی بہت اثر رکھتی ہے بچوں کی دعا بالکل اللہ پاک مشکل آسان کرے سب آمین آمین آج مصطفیٰ بھی ماشاءاللہ یہاں پر بچوں کے ساتھ مل کر کھانا کھا رہا ہے یہیں پر کھانا کھا رہے ہو نا کچھ چاہیے نہیں چاہیے چلیں جی الحمدللہ جی بچوں نے سب نے کھانا کھا لیا ہے استاد صاحب کی جو امانت تھی وہ تو ہم نے استاد صاحب کے حوالے کر دی تھی نانی اماں کے پاس رقم ہے ان بچوں کی تو ان بچوں کو اب دیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ماموں گئے ہوئے ہیں استاد صاحب کے لیے کھانا ڈلوانے کے لیے تو نانی اماں کو دے دیے ہیں کہ آپ بچوں کو بچوں کی امانت دے دیجئے گا بسم اللہ جی ماشاء اللہ جی ماموں بھی آ گئے ماموں پیسے کا سارے گھنگے جائے گا ٹھیک ہے استاد کے گھر دینا ہے استاد صاحب کے گھر دینا ہے ٹھیک ہے کھانا چلیں جی ماشاءاللہ بچے اب جا رہے ہیں گھر اور ہماری ویڈیو بھی کافی لمبی ہو چکی ہے خوش ہو کے جا رہے ہیں بھاگتے ہوئے ماشاءاللہ اور ادھر بھی ماشاءاللہ بچوں کو ابھی بھی کھانا کھلایا جا رہا ہے کیونکہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں نا تو بار بار دوبارہ اور بھی آئے ہیں نا بستی کے بچے کچھ کھا کے چلے گئے کچھ اور آئے جو نئے آئے ابھی بیٹھے ہوئے ہیں ماشاءاللہ سے ویڈیو بھی کافی لمبی ہو چکی ہے اندھیرا بھی ہو چکا ہے امید کرتے ہیں آج کی ویڈیو آپ سب بہن بھائی کو پسند نہیں ہوگی اگر پسند نہیں ہو تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں ملتے ہیں کل نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ